हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्बया क्लासेस में। जो लोग भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के इसको साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत कुछ आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। फिलहाल आज का टॉपिक है मेरे क्लास ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं उनके लिए एक नोटिस है कि 26 जनवरी से पहले आप अपने नियर में जाके वैक्सीन ले लीजिए, उसके बाद ही आप क्या कीजिएगा क्लास हॉल में एग्ज़ाम हॉल में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोग के लिए, तो इसको बिल्कुल आप लोग फॉलो कीजिए और एग्ज़ाम हॉल में जाके एग्ज़ाम देना है। अब बात करते हैं क्लास टेंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? बहुत ही इसको कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोग के लिए ही ये सीरीज़ हम लाए हैं क्लास टेंथ के साथ। जो यूपीएससी बीपीएससी जिनका साइंस है वो भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए भी होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन, 1 MA बराबर होता है किसके बराबर होता है? 10^-3A। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में, विद्युत उत्पाद में, रेल के इंजन में, इन सभी में, तो सभी में इसका यूज होता है। आगे है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, किसको रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में। आगे है, सोना की परमाणु संख्या है कितना है? 79। ये तो मुंह पे याद रहता है, अगर ना याद हो, याद करने में तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हम याद करने का तरीका भी बताएंगे। निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, इट मीन्स कि किस में ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? दहन में बिल्कुल है, जो हम आग जलाते हैं उसमें ऑक्सीजन है। श्वसन मतलब सांस लेने में बिल्कुल है। भोजन का पाचन मतलब हम जो भोजन कर रहे हैं पाचन की क्रिया जो हो रही है उसमें भी है। तो बच गया आपका अवक्षेपण, अवक्षेपण में आपका क्या है, ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता है क्या है आपका? 2। संयोजकता कितना है? 2 है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक 7.0, तो क्या होना चाहिए? 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सबको पता है, कौन सा पाया जाता है? मीथेनाइक अम्ल पाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है? कौन सा है? बी और सी, मतलब आपका ये दोनों संवाहक उत्तक है। अगला है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कसन कैसे होता है? तो विसरण द्वारा इसका होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है शरीर का संतुलन? सेरिबेलम बनाए रखता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, कौन है शारीरिक परिवर्तन का कारण? ए और बी दोनों होगा, तो किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, डी को हम टिक करेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? रक्त क्या है? ए नंबर उत्तक आपका क्या है? रक्त है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? लेमार्क ने जीन शब्द की प्रस्तुति की थी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? कैसा छड़ का उपयोग हम करते हैं? तो नर्म लोहे वाले छड़ का उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण क्या है? इसका गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओम का नियम है V=IR, सबको याद होगा। विवांतर का SI मात्रक
क्या होगा? वोल्ट होगा, विभांतर का एस आई मात्रक। आगे है आपका ओममीटर का प्रतिरोधक होता है। ओममीटर का प्रतिरोधक आपका क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। रियोस्ट का उपयोग होता है, धारा का परिणाम में क्या करते हैं? वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत अवशेषण का एस आई मात्रक होता है। इसका एस आई मात्रक आपका क्या होता है? कूलोंग। आपके बीच आज हम, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो लाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज हम 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपके बीच शेयर करेंगे। अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत हो और सीरीज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको ये सीरीज़ क्या करेंगे और भी प्रोवाइड करेंगे। तो आगे है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं कौन से हैं? CO2, H2O और ऊर्जा। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग बोल रहे हैं छोटी आंत। कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, छोटी आंत है लेकिन लंबा आपका क्या है? भाग है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं आपकी किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो ये क्वेश्चन आपके बीच हम लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है और पूछने की संभावना भी है। तो जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।